गुणाला सेवाई लाता रोला दा गुणवाला जमा आई लाता जमा आई लाता गुणवाला जमा आई लाता रोला दा गुणवाला जमा आई लाता गुणवाला जमा आई लाता रोला दा गुणाला सेवा आई लाता अपला सोजर पेलता सेवा आई लाता अपला सोजर पेलता वाला सगा वाई लाता इलाका गोंड वाला जमा इलाका रो लादा गोंड वाला। हेलो साथियों, मैं आपके साथ आज गोंडवाना दर्शन में लाइव पे आ रहा हूँ। मेरा नाम गणेश देवी है। इस समय मैं कर्नाटक में रहता हूँ। 5 साल पहले कर्नाटक के धारवाड़ शहर में मैंने स्थित्यंतर किया, स्थलांतर किया। उसके पहले गुजरात में रहता था। जब मैं गुजरात में रहता था तो 1990 से लेके 2015 तक हमेशा आदिवासियों के साथ जुड़ा रहा। उसकी कुछ कहानी मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। फिर साथ साथ पूरे देश का भाषिक सर्वेक्षण करने का आनंद भी मुझे मिला। उसकी भी कुछ कहानी आपके सामने रखना चाहता हूँ और उस पर से आपको जो निष्कर्ष निकालने हैं वो आप निकालें। मेरी पढ़ाई महाराष्ट्र में हुई थी, पीएचडी तक। उसके बाद कुछ समय तक मेरी पत्नी और मैं इंग्लैंड में और ज़्यादा पढ़ाई करने के लिए गए थे और वहाँ से गुजरात के बड़ौदा शहर में। उन दिनों में बड़ौदा एक छोटा सा शहर था, इतना बड़ा नहीं था। उसकी तादाद शायद उस समय 8 से 10 लाख थी। हर सुबह शहर को जहाँ से हाईवेज जुड़ते थे उस स्थान पर मैं देखता था कि बहुत बड़ी संख्या में गांवों से आदिवासी आके वहाँ बैठते रहते थे। शुरू में मुझे ये नहीं पता था कि ये क्यों आ रहे हैं। फिर धीरे धीरे हर रोज़ सुबह वहाँ जाके उनसे बात करने के बाद, उनको समझने की कोशिश करने के बाद, मुझे ये पता चला कि इनमें से बहुत सारे मध्य प्रदेश से पैदल चलते या बस में या जीप को लटक के जिस भी ढंग से प्रवास कर सकते थे वो प्रवास करके दूरी से लगभग 150 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 100 किलोमीटर वो सफ़र करके बड़ोदरा में आते थे और दशहरा से लेके होली तक रोज़ उन्हें जो काम मिले वो काम करते थे। ये 1980 के दशक की बात है। उन्हीं दिनों में नर्मदा के साथ छेड़छाड़ करके वहाँ पे बंधारे बनाने का काम शुरू हुआ था। नर्मदा डैम के सामने एक बहुत बड़ा आंदोलन भी खड़ा हो रहा था। जहाँ नर्मदा है, अमरकंटक से लेके भरूच तक नर्मदा का जो प्रवाह है उसके दोनों तीर पर बहुत बड़ी श्रृंखला है टेकड़ियों की, पर्वतों की, डोंगरों की। तो उनमें घूमने के लिए मैं जाता था, वहाँ से देखना चाहता था कि वहाँ कौन से लोग बसे हैं, नर्मदा से उनका क्या ताल्लुक है। नर्मदा को वो उस समय दरिया कहते थे, सागर कहते थे। अपने अपने छोटे बस्तियों में, छोटे गांव में वो रहते थे और कुछ के बदन पे पूरे पूरे कपड़े भी नहीं थे। 5-6 साल इस तरह से घूमता रहा, गांवों को देखता रहा, नज़दीक से देखता रहा, लोगों को मिलता रहा। और फिर एक दिन मैंने तय किया कि मेरी जो यूनिवर्सिटी की नौकरी थी, प्रोफेसर था मैं उस समय, साहित्य अकेडमी अवार्ड अंग्रेजी किताब के लिए मिला था, वो मैं छोड़ दूँ और किसी छोटे आदिवासी गांव में जाके बसना शुरू करूँ।
वो मैंने किया। वो 90 के दशक में 1996 में बड़ौदा से निकल के तेजगढ़ नाम का गुजरात में गांव है वहाँ मैं चला गया, और फिर वहाँ के दोस्तों के साथ, वहाँ जो युवा थे उनके साथ बातचीत की आरंभ किया, और धीरे धीरे उसमें से जो काम निकला, जो कल्पनाएं निकली, उस कल्पनाओं के आधार पे वहाँ काम शुरू किया। लेकिन उस काम की आगे की कहानी बताने के पहले और कुछ बताना जरूरी है। मैं जब पढ़ाई कर रहा था 1960 और 1970 के दशक में, हाई स्कूल से लेके कॉलेज तक, फिर यूनिवर्सिटी ऑफ रिसर्च डिग्री के लिए, उन दिनों में सेंसस के रिपोर्ट्स जो आए थे वो मैंने लाइब्रेरी में देखे। जनगणना के जो रिपोर्ट्स आते हैं, हर 10 साल में हमारे देश में जनगणना होती है, तो 1961 में जो जनगणना हुई उसकी फिगर्स आई थी, 1971 में जो जनगणना हुई उसकी फिगर्स आ रही थी। मैंने देखा कि मातृभाषाओं की जो गिनती थी उसको लेके जो सवाल था, कि सवाल सेंसस में था कि आप कौन सी भाषा बोलते हैं, आपकी मातृभाषा कौन सी है, आपको कोई अन्य भाषा आती है क्या, समझते हैं क्या, इन सवालों के जवाब में हमारे देश के लोगों ने कहा था अपने अपने भाषाओं के नाम। और ऐसे 1961 के सेंसस में भाषाओं के जो नाम आए वो थे 1652, 1652 नाम आए थे। 1971 में जब गिनती हुई उसमें जो नाम आए उसकी संख्या सरकार ने दर्शाई वो केवल 109 थी। कहाँ 1652 और कहाँ 109, करीबन 1550 भाषाओं के नाम, मातृभाषाओं के नाम उसमें से निकाल दिए गए थे। ये मैंने 1970 के दशक में देखा था। मैंने आपको बताया कि 1990 के दशक में मैं आदिवासी के गांव में रहने के लिए गया। उसके कुछ तकरीबन 20 साल पहले, 15-20 साल पहले मैंने ये देखा था कि सरकार के जो भाषाओं के आंकड़े हैं, भाषाओं की जो गिनती है, उसका जो प्रकाशन होता है, उसमें कुछ ना कुछ बहुत बड़ी मात्रा में छुपाया जा रहा है। और मैं अपने ही बड़ौदा के अपने ही घर में टेबल पे नकाशा निकाल के देखता था कि ऐसे कौन से लोग हैं जिनकी भाषाएं गुल कर दी गई है सरकार के आंकड़ों में। और जब मेरे मेज पे जो नक्शे थे उस पे मैंने नाम लिखना शुरू किया, ये लोग कहाँ है उस पे मैंने मार्क्स करना शुरू किया, तो धीरे 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 उस नक्शे पे लगभग ऐसे समझिए ना कि सूरत से लेके हावड़ा तक अगर आप एक सीधी लाइन नक्शे पे निकालते हैं, उसके कुछ 300-400 किलोमीटर उत्तर में, 100-200 किलोमीटर दक्षिण में जितने लोग बसते हैं उनकी भाषाएं, ज्यादा से ज्यादा उन्हीं की भाषाएं इस सरकार के गिनती से गुल कर दी गई थी। बड़ा आश्चर्य लगा। 1980 से 1995 तक मैं इसके बारे में बहुत बारीकाई से, बहुत गंभीरता से सोचता रहा कि या ये कौन लोग हैं, उनकी भाषाएं क्यों दबाई जा रही है, क्यों वो निकाली जा रही है सरकार के गिनती से। और मुझे जो जवाब मेरे सवालों का अपनी ही तरफ से मिला वो जवाब था कि इस देश के आदिवासियों की भाषाएं और इस देश के घुमक्कड़ लोगों की भाषाएं और इस देश के किनारे बसने वाले, दरिया किनारे बसने वाले लोगों की भाषाएं बहुत बड़े खतरे में आई है। मैं तो बेचारा यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर का काम कर रहा था, बड़ा मस्त मज़े में था, खुश था, अपनी किताबें लिख रहा था, लेख पब्लिश कर रहा था, मेरा कुटुंब सुखी अवस्था में था।
लेकिन 1991 में यूनेस्को ने एक नई बात छेड़ी। यूनेस्को के एक छोटे रिपोर्ट में उस समय ये दर्शाया गया कि दुनिया की बहुत सारी भाषाएं खतरे में आ रही है और उसका एक एटलास बनाया जाए, उसका एक नक्शा बनाया जाए। जो काम उसके पहले 15 साल में कर ही रहा था मेरे मेज पे, मेरे ही अपने घर में बैठ के, वो यूनेस्को की तरफ से भी अन्य देशों को लेके आना शुरू हुआ। तो मुझे पता चला कि ये समस्या है, बड़ी समस्या है, और ये केवल भारतीय भाषाओं की नहीं है, भारत के आदिवासियों के भाषाओं की नहीं है, पूरे दुनिया के आदिवासियों के भाषाओं की ये समस्या है। मैंने शुरू में कहा कि बड़ौदा में जब मैं नया नया था तो शहर के चार रास्ते, जहाँ चौराहे जो है शहर के इर्द गिर्द, वहाँ बहुत सारे आदिवासी मध्य प्रदेश से आके काम के खोज में रहते थे। मैंने उनकी कितनी संख्या है, कौन से गांव से आए, उनके नाम क्या है, उनकी आयु क्या है, वो कहाँ ठहरते हैं, कहाँ रहते हैं, खाने को मिलता है नहीं, पानी है, ये सब चीज़ों का एक अपने डायरी में नोंद करने की शुरुआत की थी। तो ये तीनों चीज़ें मेरे दिमाग में इकट्ठा हो गई कि आदिवासियों को बहुत बड़ा स्थलांतर करना पड़ रहा है। इस स्थलांतर का कारण उनकी जीवनी असुरक्षित हो गई, उनका लाइवलीहुड असुरक्षित हो गया है। इस असुरक्षित लाइवलीहुड के असुरक्षितता से, उनकी उनका जो जीवन आधार है उसके असुरक्षितता से, वो शायद अपनी भाषा से भी निकल के अन्य भाषा के तरफ जा रहे हैं। इसलिए आदिवासियों की भाषा ज़्यादा संख्या में पूरी दुनिया में कम हो रही है, खत्म हो रही है, और साथ साथ सरकार की भी, केंद्र सरकार की भी इच्छा नहीं है कि आदिवासियों की भाषा जिंदा रहे। उनके भी आंकड़े छुपाए जा रहे हैं। कुछ नई अर्थ नीति 1990 में जो आई, कैपिटलिस्टिक, हाई कैपिटलिस्टिक, इंटरनेशनल कैपिटलिस्टिक, क्रोनी कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी जो आई, उस इकोनॉमी को इस तरह की विविधता पसंद नहीं है, इसलिए ये आंकड़े संख्या कम की जा रही है। ये सब अलग अलग जो थीम्स थी वो मेरे दिमाग में इकट्ठा आ गई। जब मैं 90 के दशक में तेजगढ़ नाम के गांव में पहुंचा तो मैंने उचित समझा कि मैं वहां जाके कुछ कहूं, उससे बहुत बेहतर होगा कि वहाँ के लोगों का मैं सुनूं, बहुत ध्यान से, बहुत शांति से, बहुत मेरा दिमाग उसमें केंद्रित करके, कान बहुत अच्छी तरह से खुले रख के, खुले दिमाग से, खुले दिल से सुनूं। कुछ साल तक मैं वहाँ के युवाओं का केवल सुनता ही रहा, उनकी क्या सोच है, क्या विचार है, वो अपने बारे में, खुद के बारे में क्या सोचते, पूर्वजों के बारे में क्या सोचते, इतिहास के बारे में क्या सोचते, आदिवासी विस्तार के बारे में क्या सोचते, एक आदिवासी समाज और अन्य आदिवासी समाज के संबंधों के बारे में उनकी राय क्या है, अपने देश के आदिवासी बाहर के देश के आदिवासियों के बारे में उनकी राय क्या है, शिक्षा के बारे में, डेवलपमेंट विकास के बारे में उनकी संकल्पना क्या है, हेल्थ के बारे में, आरोग्य के बारे में उनकी संकल्पनाएं क्या है, पृथ्वी के बारे में, जो आकाश है उसमें जो बहुत विस्तृत विश्व है उसके बारे में क्या उनकी सोच है, ये सब मैं समझ लूँ, ये मैंने उचित समझा। न कि मेरे पास जो था, मेरे दिमाग में जो था, मैंने जो पढ़ाई, बड़ी बड़ी किताब लेके सालों तक की थी, वो सब वहाँ जाके ऑफलोड करना, उनके ऊपर थोपना, ये मुझे ठीक नहीं लगा। उनसे सुनना, उनसे समझना, उनकी समझ मेरी समझ बनाना, ये मुझे उचित लगा। तेजगढ़ में मैं घंटों तक, हफ्ते के पीछे हफ्ते, महीने के पीछे महीने, साल के पीछे साल, ऐसा इस तरह से बहुत गहराई से सुनता रहा। उसमें से कुछ सूत्र मिले, वो 5 सूत्र थे। वो कह रहे थे कि हमारा गांव जो है वहाँ
पढ़ाई इतनी कम ना हो जिससे शोषण की संभावना बने। हमारे गांव में बीमारी हो तो उसके लिए दवाई ना मिले, इतनी बीमारी ना हो। हमारे गांव में लोगों के ऊपर कर्जे का बड़ा बोझ है, वो बोझ कम हो ना हो। और उन्होंने ये भी कहा कि हमारा गांव स्थलांतर बगर का गांव हो। अब ये कर्जे का बोझ और स्थलांतर, बहुत कर्जा हुआ, जमीन, जिस जमीन में खेती करे उस जमीन का एरिया कम हो रहा है, घर के लिए, शादी के लिए, त्यौहार के लिए, मृत्यु के बाद या जन्म के बाद करने वाले संस्कार के लिए, क्रिया के लिए जो चंदा है वो नहीं मिल रहा है, कर्जा लेना पड़ रहा है, स्थलांतर करना पड़ रहा है, स्थलांतर हो रहा है, भाषा पे असर हो रहा है। एक से दूसरा मुद्दा जुड़ा था। तो मैंने ये ठान लिया, ये तय किया कि मैं भाषा को बचाओ, उससे भी बेहतर होगा कि इनके जीवनी के लिए, लाइवलीहुड के लिए कुछ काम करूं जिससे स्थलांतर ना करना पड़े। मैं लिखना कैसे जानता था, पढ़ना कैसे जानता था, कविता कैसी बनती है जानता था। इसके लिए कुछ मैगजीन्स भी निकाले, ढोल नाम का एक मैगजीन भी 7-8 साल चला, 10-11 भाषाओं में चला, वो बड़ा लोकप्रिय भी आदिवासियों में बना, उसकी मुझे खुशी भी हुई, बहुत अच्छा लगता था। लेकिन मैं जानता था कि सबसे पहली समस्या जो हल करनी चाहिए वो है कि आदिवासियों की जीवनी सुरक्षित हो, लाइवलीहुड मस्ट बी सिक्योर्ड, उनके जमीन का अधिकार है वो सुरक्षित हो, लैंड राइट मस्ट बी सिक्योर्ड, उनकी शिक्षा का जो अधिकार है वो उनके दिमाग से, उनकी नज़र से शिक्षा क्या है ये समझ के फिर उसकी उसका इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। इस तरह से मैंने धीरे धीरे आदिवासी के नज़र से दुनिया देखना शुरू किया। मैं ये तो नहीं कह सकता कि मैं पूरे पूरा आदिवासी बना, क्योंकि उसके पहले मैंने जो पढ़ाई की थी, जो समाज देखा था, मैं घूमा था, वहाँ भी बहुत सारी चीज़ें देखी थी, कॉम्प्लेक्सिटी देखी थी, अच्छी चीज़ें देखी थी, खराब देखी थी, ज़्यादा खराब भी थी, ये भी मैं मानता हूँ। लेकिन मैंने बहुत निष्ठा के साथ, प्रामाणिकता के साथ कोशिश की कि अपने आप को दिमाग से आदिवासी बनाऊँ और आदिवासी की नज़र से दुनिया देखने की कोशिश करूँ। इसके लिए फिर आदिवासी की नज़र से दुनिया देखने के लिए वहाँ एक एकेडमी की स्थापना हुई और बहुत सारे दोस्तों के, बहुत सारे व्यक्तियों के मदद से उसको अच्छा रूप भी मिला। लेकिन मेरे दिमाग में चिंता थी, वो थी कि अगर देश के आदिवासियों की भाषा मर रही हो, उनका स्थलांतर हो रहा हो, जैसे कोई बाढ़ आई है, जैसे हिमालय का एक बड़ा ग्लेशियर है वो पिघल गया और बहुत पानी बहने लगा, उस तरह से आदिवासी इलाके से लोग शहरों के तरफ देख रहा था, वेदना हो रही थी। और उन दिनों में केंद्र सरकार ने नक्सलिज्म को कंट्रोल करने के नाम से भी बहुत ज़्यादा पुलिस, बहुत ज़्यादा आर्मी के यूनिट्स, बहुत ज़्यादा ग्रे हाउंड पुलिस के, सीक्रेट पुलिस के यूनिट्स आदिवासी एरियाज में लगाए थे। मैंने देखा आज़ादी के बाद का जो इतिहास है उसमें कुछ समय ये कहा गया था कि आदिवासी जैसे है उसी स्थिति में उनको रहने दीजिए, क्योंकि वो बहुत कुदरत के साथ, वो निसर्ग के साथ मिले जुले हैं और उनकी, उनको जीवन डिस्टर्ब ना करे। और कुछ ने कहा था, खास करके राइट विंगर ने, आरएसएस वालों ने, कि नहीं उनको हमारे जैसे ही बनाना चाहिए, उनको हिंदू धर्म का नाम दे दीजिए क्योंकि वो हिंदू है, वो राम के भक्त हनुमान थे, इस तरह वो हमारे नौकर बन जाए। इस तरह से किसी ने ये नहीं पूछा था
कि आदिवासी क्या चाहता है। सब कुछ सब कोई तय कर रहे थे, आदिवासी को ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, आदिवासी को ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आदिवासी क्या चाहता है ये किसी ने पूछा नहीं था। मैंने उचित समझा कि आदिवासी के नज़र से दुनिया देखे, मेरे लिए अपने लिए आदिवासी क्या चाहते हैं वो उन्हें पूछे। उनके जीवन में कुछ खराब हो, संस्कृति में खराब हो, तो वो भी बात उनसे करे, लेकिन हर चीज़ जो शहर वालों को खराब लगती है वो आदिवासियों को खराब लगनी चाहिए। शहरवासियों को जो अच्छी लगती है वो आदिवासियों को अच्छी लगनी चाहिए, ये आग्रह नहीं रखना चाहिए, क्योंकि आदिवासी की अपनी संस्कृति है, उस संस्कृति की रचना अलग ढंग से हुई है, उसका इतिहास अलग ढंग से हुआ है, वहाँ की इकोनॉमी का सेंस अलग है, वहाँ के जमीन के संबंधों का सेंस अलग है, जो कार्ल मार्क्स में भी नहीं आया और कुछ हद तक, बहुत सारी हद तक अंबेडकर जी में भी नहीं आया है, न गांधी के सोच में था। आदिवासी को आदिवासी के नज़र से देखना, दुनिया को आदिवासी के नज़र से देखना, मैंने महसूस किया बड़ा जरूरी है। और वो लेके मैं, यूनेस्को ने जो इशारा किया था भाषाओं के अस्तित्व पे जो खतरा है उसके तरफ, उस इशारे के तरफ मैंने आदिवासियों के नज़र से देखना पसंद किया। कुछ सालों के बाद भारत सरकार ने ये तय किया कि एक नया लिंग्विस्टिक सर्वे किया जाए। उसके पहले 80 साल पहले, 80-90 साल पहले जॉर्ज एब्राहम ग्रियर्सन नाम के आयरिश स्कॉलर थे। अंग्रेज़ों के समय वो हिंदुस्तान में, यहाँ पोस्टेड थे बिहार में। उनको लिंग्विस्टिक सर्वे नाम की ऑफिस अंग्रेज़ों ने बना के दी उनके कारकिर्द के अंत में, और जॉर्ज ग्रियर्सन ने बड़ी मेहनत करके, लगभग 30 साल, 28 साल मेहनत करके पूरे देश का लिंग्विस्टिक सर्वे किया था। लेकिन उस सर्वे में आदिवासियों की बहुत ही कम भाषाओं की जिक्र की थी, जिक्र किया था। ज्यादातर भाषाएं संस्कृत से निकली हुई और तमिल से निकली हुई, तमिल से निकली हुई भाषाओं का भी डिस्कशन ग्रियर्सन के सर्वे में ज्यादा नहीं था। इंडो आर्यन लैंग्वेजेस, संस्कृत से निकली भाषाओं और प्राकृत, कुछ प्राकृत पाली, उसी का वर्णन था। भारत सरकार ने आज़ादी के बाद, देश का नक्शा बदल गया है क्योंकि पाकिस्तान इसके बाहर था, बांग्लादेश और कहीं, बर्मा और कहीं, नए नक्शे का जो भारत बना उस नक्शे को लेके भारतीय भाषिक सर्वे करने का तय किया, निश्चय किया। उसके लिए 600 करोड़ रुपया का प्रोविजन भी किया, लेकिन सरकार के जो ये काम करने वाली ऑफिसेस थी, जो लोग थे, उन्होंने इस तरह का सर्वे पूरा करने की अक्षमता दर्शाई और कहा कि इस समय ये सर्वे नहीं हो सकता। 2008, 9, 10 की ये बात है, 2-3 साल ये चर्चा शुरू थी। मैंने सोचा क्यों ना देश के सभी आदिवासियों को लेके, देश के सभी भारतीय भाषाओं के, सभी भारतीय भाषाओं का एक पूरा सर्वे क्यों न किया जाए। और इस हेतु से बड़ोड़ा में, वडोदरा में 2010 के मार्च में पूरे देश से, हर राज्य से जितने आदिवासी दोस्त थे उन सबको इकट्ठा बुलाया, कुछ लिंग्विस्ट को भी बुलाया, और वहाँ हमने घोषित किया कि इस देश का पीपल्स लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया हम सब मिलके बनाएंगे। उसमें 3,000 से ज़्यादा लोग जुड़ गए, हर स्टेट के, हर राज्य के थे, और उसमें बहुत सारे आदिवासी थे। जब मैंने ये प्रस्ताव एक पब्लिशर के पास पहुंचाया कि इस तरह से हम हर राज्य के लिए एक एक खंड बनाएंगे, एक एक ग्रंथ बनाएंगे, तो पब्लिशर ने कहा कि आदिवासी कैसे लिख सकेंगे, इसके लिए लिंग्विस्ट है। मैंने कहा वो चिंता मेरे पे छोड़ दीजिए, क्योंकि आदिवासी अपनी भाषा के बारे में जितना जानता है उतना कोई अन्य लिंग्विस्ट उसकी भाषा के बारे में जाने, ये
इतना सहज संभव नहीं है, तभी ये होगा जब उस लिंग्विस्ट ने एक भाषा के साथ बहुत सारे साल काम किया हो, तभी वो संभव होगा। इसलिए आदिवासी अपनी भाषा के बारे में बहुत अच्छी तरह से लिख सकेंगे, इसकी मुझे उसकी मुझे इसका मुझे कॉन्फिडेंस है। कुछ ही सालों में, 3 या 4 सालों में, देश के हर राज्य का पूरा सर्वे हुआ था। इसमें आदिवासी जुड़े थे, जो आदिवासी नहीं है वो भी जुड़े थे, लेकिन आदिवासियों का बहुत बड़ा हिस्सा राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और झारखंड के, उत्तराखंड में भी और हिमाचल प्रदेश में ज़्यादा से ज़्यादा काम आदिवासियों ने किया था। दोस्तों, 780 जितनी भाषाएं देश में मिली, जो काम सेंसस की तरफ से हो रहा था भाषा छिपाने का, वो आदिवासियों ने अपने परिश्रम से उसको ये दर्शाया कि अगर हम तय करते हैं तो आप जो भी हमारे बारे में छुपाना चाहे वो हम प्रकाशित करेंगे, प्रकाश में लाएंगे, उजागर करेंगे। और आज अंग्रेजी में 50 वॉल्यूम्स, 35,000 पेजेस का लिखा हुआ ये पीपल्स लिंग्विस्टिक सर्वे पूरे दुनिया में स्वीकारा गया है। मैं बहुत बार लेक्चर देने के लिए परदेश में जाता हूँ, तो वहाँ के लाइब्रेरी में जाके देखता हूँ तो हमारे राजस्थान के, गुजरात के, महाराष्ट्र के आदिवासियों ने, छत्तीसगढ़ के, झारखंड के, बंगाल के, उड़ीसा के आदिवासियों ने, उत्तराखंड, हिमाचल के आदिवासियों ने लिखा हुआ ऑक्सफर्ड, कैम्ब्रिज, हार्वर्ड, प्रिंसटन, कैलिफोर्निया के यूनिवर्सिटी के लाइब्रेरी में रखा गया है। आदिवासियों के नज़र से दुनिया देखना, ये जो मेरा सपना था, वो मैं जब वहाँ जाता हूँ और ये किताबें देखता हूँ तो मुझे वो सपना पूरा हो गया ऐसे लगता है। अब बात ये रही कि कोई पूछेगा कि भैया, आदिवासी की भाषा जिंदा रख के आप क्या उनको दे रहे, ये नहीं अच्छा होगा कि वो फटाफट अंग्रेजी पढ़ाई करे और अपने जीवन को नया रूप दे दे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आदिवासी अंग्रेजी ना पढ़े, या तो उड़िया ना पढ़े, या बांग्ला ना पढ़े, या गुजराती ना पढ़े। मैं तो ये कह रहा हूँ कि एक आदिवासी भाषा में पुराने समय से जो विजडम है वो अगर चला जाएगा तो आपकी अंग्रेजी भाषा, बांग्ला भाषा, गुजराती भाषा, उड़िया भाषा वो विजडम कहाँ से लाएगी। अंडमान की बात, 65,000 साल का कंटिन्यूस इतिहास, वहाँ की एक एक भाषा मर रही है, उसके साथ मर रहा है। हमारे मेन लैंड इंडिया में लगभग 10,000 से 12,000 साल से लोग रह रहे हैं, और आज आप चौकन्ना रहेंगे मैं अगर बताऊंगा तो, कि इस केंद्र सरकार ने, जो राइटिस्ट आरएसएस चलाने वाली जो सरकार है, उसने कल्चरल कमिटी बनाई, वो 12,000 साल का नया इतिहास लिखना चाहते हैं, जिसमें वो शायद दिखाएंगे तो अचरज नहीं कि संस्कृत उतनी पुरानी है, जो सच नहीं है। आदिवासी अपनी प्राचीन संस्कृति भाषा के साथ आज भी जिंदा रख के है, उस भाषा में सदियों का, सहस्त्रकों का एक विजडम है, जानकारी है, और वो जानकारी इस समय दुनिया जिस बहुत गंभीर खतरे से जा रही है, गुजर रही है, जिसे ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, टिपिंग पॉइंट्स क्रॉस करके नए युग में आना, जिसे एंथ्रोपोसिनी कहा गया है, उसमें से छुटकारा देने वाले
बहुत सारे तत्व इस विजडम में है। आदिवासी की भाषा जिंदा रखना का मतलब होता है एक विशिष्ट प्रकार की जीवन दृष्टि, वर्ल्ड व्यू जिंदा रखना। चलो खैर, कोई कहेगा तो हमारे देश में इतने 700-800 भाषाएं है, 700-800 जीवन दृष्टि जिंदा रखेंगे तो उससे क्या भला, हमारा देश 56 इंचिस वाला प्राइड वाला कैसे बनेगा, वगैरह 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 वगैरह। लेकिन मैं एक सवाल पूछना हूँ, संविधान जब से हम आज़ाद हुए तब से हमारा सबसे बड़ा धर्म ग्रंथ है, बाइबल गीता कुरान से भी बड़ा धर्म ग्रंथ संविधान है भारतीय के लिए। और उस संविधान में लिखा है कि हर नागरिक को अभिव्यक्ति की आज़ादी होनी चाहिए। अभिव्यक्ति करना है तो किसी भाषा में होगी, तो उस नागरिक को अपनी भाषा चूज करने का भी करने की पसंद करने की भी आज़ादी होनी चाहिए। इसका मतलब है कि भारत की हर भाषा, वो भाषा बोलने वाले नागरिक का फंडामेंटल राइट है। हमारे संविधान के साथ जुड़ी 8वीं परिशिष्ट में, 8वीं सूची में, 8th शेड्यूल में कुछ भाषाओं के नाम है, 22 भाषाओं के नाम है। हमें बड़ी खुशी हुई कि उसमें कुछ भाषाओं के, कुछ आदिवासी भाषाओं के भी नाम अब आने लगे हैं, जैसे बोडो का नाम आया है, संताली का नाम आया है। लेकिन ये सवाल पूछिए कि क्यों ना सभी भाषा के नाम उस सूची में जाते हैं? क्या वो बाकी की जो अनुसूची में नहीं है वो भाषाएं भारत की भाषाएं है नहीं? क्या वो भाषा बोलने वाले के भाषिक अधिकार, नागरिकत्व के अधिकार, हक संविधान ने नहीं दिए? ये सवाल बड़े गंभीर है, आप इस पे सोचिए। हम सब संविधान को सबसे बड़ा धर्म ग्रंथ मानते हैं और इसी संविधान ने हमें अभिव्यक्ति की आज़ादी दी है, इसलिए हमारे भाषा की भी आज़ादी, और भाषा, हमारे भाषा की आज़ादी का मतलब है हमारे भाषा को डिग्निटी होनी चाहिए, महत्व होना चाहिए, उसकी इज्जत होनी चाहिए, वो नहीं हो रही है। एक तरफ लाइवलीहुड को सिक्योरिटी नहीं है, हमारे जीवनी को, आजीविका की सिक्योरिटी नहीं है, दूसरी तरफ हमारी जो जमीन है वो कम होती जा रही है, तीसरा हमारे पास जो यूनिवर्सिटीज और स्कूल्स आते हैं वो इतने अच्छे क्वालिटीज के है नहीं, और उसके ऊपर हमारी भाषा भी छीनी जा रही है, वो दबाई जा रही है, उसके नाम, हमारे भाषाओं के नाम सेंसस से निकाल जा रहे। ये सब ठीक नहीं है, ये सब आदिवासी की इज्जत है ये दर्शाने वाला नहीं है। मैं मानता हूं कि आदिवासी की हर भाषा जिंदा रहे ऐसी व्यवस्था हमारे देश में होनी चाहिए। मैं मानता हूं आदिवासी की हर भाषा जिंदा रहे क्योंकि उसमें सदियों का विजडम रहा है। मैं मानता हूं आदिवासियों की भाषा होनी चाहिए, मजबूत बननी चाहिए, तगड़ी बननी चाहिए, और भी उसको डिजिटल प्रेजेंस होना चाहिए, प्रिंट प्रेजेंस होना चाहिए, यूनिवर्सिटी प्रेजेंस होना चाहिए, पावर स्ट्रक्चर में उसका प्रेजेंस होना चाहिए, क्योंकि आदिवासी इस देश के समान नागरिक है, असमान नागरिक नहीं है। घुमंतु लोग, घुमंतु कौमें, आदिवासी हिल्स में रहने वाले, पर्वतों में रहने वाले, दरिया किनारे रहने वाले, ये सभी मिलके ही तो भारत हुआ है। मुझे, मेरी जिंदगी में पिछले 30-40 साल से एक भाषाओं के लिए संघर्ष करने का धीरज मिला, साहस मिला, मौका मिला और स्पेस मिली। मैं
इन चारों से कि ये मुझे मिले, इससे मैं खुद को बड़ा भाग्यशाली समझता हूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आदिवासी भाषाओं का भाषाओं का अस्तित्व रखने के लिए हमें केवल राजकीय संघर्ष से नहीं, लेकिन राजकीय एवं सांस्कृतिक संघर्ष करना पड़ेगा। आप देखिए, तमिलनाडु में तमिल भाषा के लिए जो जबरदस्त आंदोलन हुआ, उससे ही तो तमिल बची रही, अन्यथा संस्कृत भाषा वहां थोपी जाती थी, हिंदी थोपी जाती थी। देश के इतिहास में देखिए, 1952 में तेलंगाना आंदोलन हुआ तेलुगु भाषा के लिए, उसी साथ साथ पंजाबी के लिए पंजाब में मास्टर तारा सिंह ने आंदोलन शुरू किया था, पंजाब का राज्य मिला। तमिलनाडु तमिल को लेकर आंदोलन हुआ। ये जो भाषाओं के आंदोलन हुए थे, उनका महत्व हमारे इतिहास में जितना है, उतना ही महत्व आदिवासियों की भाषाओं में जो छोटे छोटे माइक्रो आंदोलन शुरू है, उन सबको इकट्ठा मिला के होना चाहिए। लेपचा में आंदोलन है, उसी तरह से भिल्ली में है, गोंडी में है, उसी तरह से दक्षिण में मैं जहाँ देखता हूँ तो तोड़ा में भी है, सबर में है बंगाल में, उसी तरह से लाहौल स्पीति में हिमाचल प्रदेश में, लाहौली और स्पीति में भी है। ये सब हमें इंसान के भविष्य के लिए, इंसान के भविष्य को उसके अतीत के साथ जोड़ने के लिए, ये सब एक भारतीय को सभी भारतीयों के साथ जोड़ने के लिए, ये सब हमारा जो अंदर का विश्व है, जो मन चक्षु से देख, हम जो हमारे इनर आय से देखते, उसको पूरे विश्व को विश्व के साथ जोड़ने के लिए बहुत जरूरी है। आदिवासियों की भाषा ये केवल व्याकरण के पढ़ाई का विषय नहीं है। आदिवासियों की भाषा ये केवल किसी के करुणा का, यूनेस्को जैसे किसी संस्था के करुणा का विषय नहीं है। आदिवासियों की भाषा ये अस्तित्व का, अस्मिता का और अतीत को भविष्य के साथ जोड़ने का एक विषय है, उसी ढंग से रहना चाहिए। आज मेरे दिल की जो भी अंदर की कुछ यादें, कुछ बातें आपके साथ शेयर करने के लिए आपने मुझे मौका दिया, बड़ा अच्छा लग रहा है। पिछले कुछ सालों में लिंग्विस्टिक सर्वे पूरा होने के बाद मैंने दुनिया के अन्य देशों में जहाँ जहाँ इंडिजिनस कम्युनिटीज़ है, माओरी हो, एबोरिजिन्स के नाम से पहचाने गए ऑस्ट्रेलिया के हो, या इंडियंस जिन्हें कनाडा में कहते हैं वो हो, तो अफ्रीका में नेटिव्स नाम से जो बुलाए गए वो हो, उन सबको जोड़ने का काम हाथ में लिया है। उनको साथ में लेके पिछले 2-3 साल में 5 बहुत अच्छी किताबें द की कंसेप्ट इन इंडिजिनस स्टडीज नाम से बनाई, वो इस साल में पब्लिश हुई है। और मैंने देखा कि लगभग 30 से ज़्यादा देशों के इंडिजिनस कम्युनिटीज़, आदिवासी कम्युनिटीज़ चाहते हैं, जिन्होंने इन किताबों में लिखा है, मेरे साथ कंट्रीब्यूट किया है, ये चाहते हैं, ये सब आदिवासी कम्युनिटी से, इंडिजिनस कम्युनिटी से, वो चाहते हैं कि भारतीय, भारत के आदिवासियों के साथ वो जुड़े। हाँ, ऐसे जुड़ने में भाषा की समस्या है, अंग्रेजी हमारे आदिवासी ज़्यादा नहीं समझते हैं, वो भी सभी अंग्रेजी नहीं बोलते, लेकिन उनको हमारे साथ बोलते समय अंग्रेजी में बात करनी पड़ती है, वो उनका भी दुर्दैव है, हमारा भी दुर्दैव है। वो चाहते हैं कि हमारे साथ जुड़े, और मैं मानता हूँ कि जब हम दुनिया के सभी इंडिजिनस लोगों के साथ जुड़ेंगे, तो हमारे जो मायने हैं, हमारे जो मुद्दे हैं, मसले हैं,
उनको ज़्यादा चालना मिलेगी, गति मिलेगी, उसको ज़्यादा ग्रेविटी आएगी, उसका असर ज़्यादा होगा। क्योंकि इस समय पूरे दिन दुनिया में मिला के कम से कम 38 करोड़ इंडिजिनस पॉपुलेशन है। 38 करोड़ ये सामान्य संख्या नहीं है। और अगर ये कुछ सालों में इसके 40 करोड़ हो गए, 45 करोड़ हो गए, आने वाले 8-10 साल में अगर ये 40-45 करोड़ इकट्ठा मिलके आवाज़ उठाएंगे, तो ये सभी दुनिया को नया रास्ता दिखा सकेंगे। एंथ्रोपोसिनी के समय में विश्व का पर्यावरण खराब हो रहा है, उस समय में ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, उस समय में एक बहुत बड़ी ग्रीड, हवस, हाव, पैसा मिलाने की, वो दुनिया को घेरी रखी है, और उससे गरीब और अमीर के बीच का बड़ा फासला बढ़ रहा है। ऐसे समय में ये 40-45 करोड़ अगर इकट्ठा होते, उनकी एक आवाज़ होती है, तो वो सब मिलके दुनिया बदल सकते हैं, मेरा पूरा भरोसा है। मैं चाहता हूँ आप जो मेरे सुनने वाले इस काम में लग जाए, हिंसा के रास्ते को लेके नहीं, अहिंसा के रास्ते से, अहिंसा के रास्ते से, केवल अहिंसा के रास्ते से, केवल संविधानिक रास्ते से ये हो सकता है। सब इकट्ठा हो जाए और दुनिया बदलने का निश्चय करें, जिसका आरंभ खुद से होगा, जिसका असर पूरे दुनिया पे होगा। मैं उस काम में आप सबको यश मिले, ऐसी प्रार्थना। खुले आसमान में रहने वाले मेरे पूर्वजों को करना चाहता हूँ। नमस्कार। रे ला रे ला सा रे ला रे ला।